Well, students, we ended our last video on line 210 of scene 2, act 1. Now the races have ended and people are returning. And on the suggestion of Cassius, Brutus pulls Casca by his cloak. And Casca inquires, Brutus want to speak to him about that he had pulled him by the cloak. Brutus, I, Casca, tell us what had chanced today that Caesar looks so sad. So Brutus wants to know, yes, Casca, I pulled you by the cloak, but I just wanted to know what happened there that Caesar looks so grievous and sad. Casca on instead of answering in his own usual manner, sarcastic manner, returns the question, were you not there, Brutus, that you are asking me? Brutus says that I would not be asking Casca had I been there. Agar mein wahan hota toh tumse poochta hi kyun. Casca says, why? There was a crown offered him and being offered, he, he put it by with the back of his hand, thus. एंड देन दीपल फेलाउटिंग वहां पे लोगों ने उसको एक क्राउन ऑफर किया लेकिन सीजर ने क्राउन एक्सेप्ट नहीं किया अपने हाथ पीछ, पीछे करते हुए उसको अपने से दूर कर दिया और इसकी वजह से पीपल चिल्लाने लगे शोर मचाने लगे सीजर की तारीफ में चिल्लाने लगे वट वॉज द सेकेंड नॉइस फॉर दूसरी बार जो इतना शोर बचा था वो क्यों था कैसका सेट वॉज द लास्ट क्राइ फॉर सो कैसेस पूछता है कि भाई वो तीन बार चिले थे तीसरी बार और ये दूसरी बार कहा के लिए थे तो कैसका कहता है वाई फॉर दैट टू ना कैसका इज वेरी सकेस्टिक

that was the right reason he was offered the crown 3 times and every time caesar pushed it away but each time it seemed he was putting it away with less force as if he wanted the crown but he was not allowing it to come near him this this is very clear that Caesar wanted the crown, but he wanted to see the public more happy, and he realized that the public was cheering and applauding it when he refused to have the crown. Cassius asks Casca, who offered him the crown? Casca replies, why? Antony means only it was only it could only be Antony who would offer a crown to Brutus to Caesar. Sorry, I beg your pardon. Brutus, tell us the manner of it, gentle Casca, so Brutus wants to know the exact details, how everything happened. Casca कहता है, I can as well be hanged as tell the manner of it. It was mere foolery, I did not mark it. So Casca कहता है कि मुझे hang कर सकते हो, क्योंकि मैं वहाँ पे पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रहा था, तो मुझे फांसी भी लटका दोगे अगर मैं गलत बोलूँगा तो, मैं वहाँ था. लेकिन वह सिर्फ बेवकूफ पना था और मैं उस बातों पे पूरा ध्यान नहीं दे रहा था आई वॉज नॉट पेइंग अटेंशन टू वॉट वॉज गोइंग ऑन आई सॉ मार्क ऑफर हेम अ क्राउन मैंने देखा कि मार्क एंथनी ने सीजर को क्राउन ऑफर किया येट इट वॉज नॉट अ क्राउन नीदर और वह क्राउन भी नहीं था किसी तरह से क्राउन इट वॉज वन ऑफ दोज कॉरनेट्स इट वॉज ऑफ दो मीन लॉरल रीत फूलों का बना हुआ एक सर पे पहनने वाला गुलदस्ता टाइप होता था एक हार जो इतना टाइट होता था कि वो सिर्फ माथे पे पहना जाए तो उसको कॉरोनेट बोलते थे रीत बोलते थे एंड इट वॉज नॉट एक्चुअली अ क्राउन इट वॉज अट लाइक अन ऑफ दोट एंड एज आई टोल्ड यू हिट इड पुट इट बाई वंस उसने उसको पहली बार अलग कर दिया स बट फॉर ऑल दैट एस टू माई थिंकिंग ही वुड फेन है परे तो कर दिया अपने हाथ से उसको दूर कर दिया लेकिन जहां तक मैं समझता हूं वो बड़े ग्लैडली फेन वु हैुड ग्लैडली है क्राउन देन ही ऑफर टू हैम अगेन एंड ही पुटेड बाय अगेन तो एंटनी ने दूसरी बार ऑफर किया दूसरी बार भी सीजर ने उसको मना कर दिया बट टू माई थिंकिंग ही वॉज वेरी लो टू फिंगर्स ऑफ इट लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि उसको बड़ा अफसोस हो रहा था बुरा लग रहा था वो नहीं चाहता था कि उस क्राउड से अपनी फिंगर्स को हटाए लेकिन फिर भी सीजर ने मना किया एंड देन ही ऑफर्ड इट टू द थर्ड टाइम और फिर वो तीसरी बार ऑफर किया गया एंटनी ने तीसरी बार ऑफर किया ही पुट इट दर्ड टाइम बाय एंड स्टिल एज ही रिफ्यूज रेबलमेंट हुटेड उसने तीसरी बार भी अपने से दूर कर दिया और जैसे ही दूर किया जितने भी वहां पे रोमन्स अनकल्चर्ड अनसिविलाईज डर्टी मिसबिहेविंग जितने भी रोमन्स थे उनको वो कहता है रेबलमेंट रेबलमेंट मीन्स रेबलमेंट हेयर इज अ वर्ड यूज फॉर पीपल हु आर नॉट डिसिप्लिन हु आर नॉट सिविलाइज हु आप जो मर्जी लगा लीजिएगा Hooted, hooted means shouted and clapped their chopped hands. Chopped hands means rough hands. Hand be, that become rough because of hard work that these hands do. They become coarse. So they were chopped hands. And threw up their sweaty nightcaps. Or though Pasines of Harivik Topiati. एंड अटल सच ए डील ऑफ टिंकिंग ब्रेथ बिकॉज सीजर रिफ्यूज द क्राउन और इतना जोर से चिल्लाए मुंह से उनके इतनी बदबू आई बाहर सिर्फ इसलिए वो खुश थे क्राउन नहीं लिया और उस इतनी गंदी बदबू से आई चोक आई ऑलमोस्ट चोक्ट मीन्स आई फेल्ट इट डिफिकल्ट टू ब्रीद सीजर रिफ्यूज द क्राउन दैट इट है चोक सीजर और सीजर को भी वो बदबू सही नहीं जा रही थी उससे भी सांस लेना डिफिकल्ट हो गया फॉर ही सीजर चक्कर खाके वहां गिर पड़ा एंड फॉर माइन पार्ट आई डर्स नॉट लॉफ फॉर फियर ऑफ ओपनिंग माई लिप्स एंड रिसीविंग दैड एयर और जहां तक मेरा संबंध था मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई हंसने की क्योंकि मैं अगर हंसता तो वो उतनी फाउल बदबूदार हवा मेरे होटो से अंदर चल जाती कैशिस बट सॉफ्ट आई प्रे यू वॉट डिट सी सो सॉफ्ट मीन्सरो सॉफ्ट मीन्स डिड ही एक्चुअली फेंट फेंट होके गिर गया था कैस का ही फेल्ड आउट इन द मार्केट प्लेस एंड फोर्म विद माउथ एंड वॉज स्पीचलेस तो कैस करेगा मुझे नहीं मालूम हुआ था यह नहीं हुआ था मैं वहां हुई वहां पर गिर गया था और मुंह से उसके झाक निकल रहे थे और वो बोल सकता नहीं था और हिल सकता नहीं था ब्रूटस इट इज वेरी लाइक ही हैथ द फॉलोइंग सिकनेस तो ब्रूटस कहता है कि बिल्कुल यकीन से इसको लाइकली से कहा जाता है यकीन से कहा जा सकता है दैट इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इसको एपिलेप्सी के चक्कर आते हैं एपिलेप्सी के फिट्स आते हैं सो नाउ वी नो अनदर फेलिंग ऑफ सीजर कि वो एपिलेप्सी से भी ग्रस्त था ही वॉज डिजीज ही हैड एपिलेप्सी कुड नॉट हेयर फ्रॉम इस वन ईयर ही डिड नॉट हैव स्ट्रेंथ That he was supposed to have, because being a warrior, he had led so many armies to victory that people thought he was the one who was brave and courageous and strong. Cassius, Casca. Now, Cassius says, No, Caesar hath it not, but you and I, an honest Casca. We have the falling sickness. Now Cassius is stuck to his point. He wants something against Caesar. So he says that no, Caesar does not have the falling sickness. It is us <coughs> who have the falling sickness. Brutus, Casca, Cassius, all of us have the falling sickness. Why the falling sickness? Because at his one glance, we bend down low before him and fall down at his knees. To our knees when we bend down. So the falling sickness is ours, not his. <clears throat> Kaska, I know not what you mean by that, but I'm sure Caesar fell down. So Kaska I'm not worried what you are saying, and I don't even want to understand what you are saying. But what I can tell you is that Caesar fell down.

भगाना चाहते थे और बस यही मैंने नोटिस किया है और मैं इस बारे में बिल्कुल सच्चा आदमी हूं ओके देन ब्रूटस सेज वॉट सेड ही वेन ही केम अट हिमसेल्फ तो ब्रूटस ये जानना चाहता है कि जब सीजर को होश आया तो उसने फिर क्या कहा वॉट डिड इज से वेन ही कॉन्शियसनेस कैस का मैरी बिफोर ही फेल्ड वेनी परसीव्ड कॉमन हर्ड वॉज ग्लैड ही रिफ्यूज द्राउन मी ओपन मैरी की कसम जीसन मैरी कसम खाके कहता हूं गिरने से पहले उसने ऑब्जर्व किया सीजर जब गिरा उससे पहले उसने देखा कि लोग बहुत खुश हुए हैं कि उसने क्राउन रिफ्यूज कर दिया तो जब उसको उठा तो उसने अपना जो कोट है आगे पहनने वाला कपड़ा उसके बटन खोल दिए और अपना सीना खोल के पब्लिक के सामने खड़ा हो गया कि लो काट लो मेरा सीना काट लो लेकिन मुझे क्राउड नहीं चाहिए सी दिस ऑल अ मैनर अ अ वे टू अट्रैक्ट द क्राउड टू प्लीज द क्राउड लो यू कैन किल मी बट डोंट ऑफर मी द क्राउड आई एम वन ऑफ यू आई एम अल रोमन And I will not be separated from the commoners. That is what Caesar meant to say. But Casca says, a, I had been a man of any occupation. Means, he says, if I had been a man who was occupied in this sort of a business, in this sort of a business means, kartna, butcher, butchering karna, isme. I I would would not have taken, I would have taken, not have taken him at a word. I would, I might go to hell among the rogues. के अगर मैं ऐसा होता तो मैं उसके वर्ड को जैसे वो चाहता था वैसे ही कर देता उसके वर्ड का वर्ड बाय वर्ड मीनिंग समझता और उसने कहा कि मेरा गला काट दो मैं उसका गला काट देता भले ही इसके लिए मैं बुरे लोगों के साथ हेल में चला जाता और यह कह के वो गिर गया कौन गिर गया सीजर गिर गया वेरी फिर दोबारा होश आया तो सेट इफ यूर डन और इट वॉज हिज इन नाउ सीजर जब दोबारा उठा और उसने देखा कि क्राउड कितना खुश है तो उसने कहा कि अगर उसने कोई गलत बात कह दी है और अगर उसने कोई ऐसी बात कही है जिससे इतने सारे लोग ने कुछ गलत समझा हो तो उसको माफ कर दे ये समझ के कि मैं ठीक नहीं हूं बीमार हूं नाउ यहां लिखा है नर वर्शिप देर, देर वर्शिप ये ताने की टाउंटिंग वे में कहा गया है दे वर नॉट वर्शिप वर कॉमन पीपल अ कॉमन पीपल को लॉर्ड जज बनाया गया लॉर्ड बनाया गया गॉड का रूप दिया गया क्योंकि जनता भगवान होती है राजा के लिए अगर जनता उसके साथ है तो वह सारे कार्य कुशलता से कर सकता है सो पीपल वर गॉड्स दैट इज वॉट दे मेन टू से बट कैश का बींग कैश का ही से आई वुड हैव कट हिम राउंड इवन इफ आई हैव टू गो टू हेल्प three or four wenches three or four wenches now wenches is a bad word used for females it's sort of an abuse a bad word for four wenches where i stood cried alas good soul वो रोने लगी उसको देख के कि कितना अच्छा आदमी है कितना भला आदमी है यह हमें अपना दिल चीरने दिखा रहा है अपनी मर्जी से इच्छा से Caesar को माफ किया बो नी नो ही उनकी बातों की तुम्हें परवाह करने की आवश्यकता नहीं है कैस का यह कहता है कैशियस और ब्रूटस से वो लोगों ने जो कहा डोंट वरी अबाउट दैट इफ सीजर स्टैप द मदर्स दे वुन सोल नो लेस मीन्स अगर सीजर उनकी माओ को चाकू भी मार देता तो भी उन औरतों ने उसको माफी कर दिया होता ब्रूटस एंड आफ्टर दैट ही केम द सैड अवे उसके बाद वो इस तरह से सैड होके निकल आया कैस का येस सेज जो सो कैशियस टू नो इफ सेड एनीथिंग कैश का सेज हां उसने कुछ कहा था लेकिन वो ग्रीक में कर। कहा था Now, अब वो ग्रीक में कहा था से हमें यह पता चलता है कि कैस का पढ़ा लिखा नहीं था उसे ग्रीक लैटिन लैंग्वेज पढ़नी नहीं आती थी लेकिन सिसेरो पढ़ा लिखा था तो उसने जो कुछ बोला वो ग्रीक लैंग्वेज में बोला और वो कैस का को समझ में नहीं आया लेकिन फिर भी इफेक्ट तो मतलब उसका इफेक्ट क्या हुआ जो कुछ उसने कहा कैस का ने एंड आई टेल यू दैट आई नेवर लुक यू इन द फेस अगेन तो नहीं मैं नहीं बता सकता और अगर मैंने बता दिया तो वो झूठा होगा और वो गलत बात होगी तो जब वो गलत बात होगी तो मैं तुम्हें अपनी शक्ल दिखा नहीं पाऊंगा बट अंडरस्टूड हिम स्म एट वन एंड शुड लेकिन जो लोग ग्रीक समझते थे उन सब ने एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल किया और अपना सर हिलाया बट फॉर माइन ओन पार्ट इट वॉज ग्रीक टू बी लेकिन जहां तक मैं समझता हूं जहां तक मेरी बात है आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट एवर ही मैं एक और न्यूज तुम्हें तो दे सकता हूं और वो क्या है मैरलेस एंड फ्लेवियस फॉर पुलिंग इमेजेस आर पुट टू साइलेंस आर पुट टू साइलेंस मीन आर पुट टू डेथ सो मैरलेस एंड फ्लेवियस बीन

तुम फिर भी अपना माइंड चेंज ना करो और मुझे खाने में बुलाना चाहो तो मैं कल आ जाऊंगा गुड आई विल एक्सपेक्ट यू सी सेज एट योर डिनर वर्थ से तुम्हारा खाना खाने लायक हो अच्छा हो तो कैसे सेज गुड आई विल एक्सपेक्ट यू कैस का डू सो फेयरवेल बोथ जब दोनों चल, जब चला जाता है कैस का तो ब्रूटस कहता है वट अ ब्लड फेलो दिस ग्रोन टू बी ही वॉज क्विक मेटल कितना ब्लंट बूफट आउटराइट आउटस्पोकन तरह का आदमी हो गया ये बड़े होके जब यह छोटा था तो वॉज वेरी क्विक वेटेंट चालाक था कैसे कहता है सो ही इज ही नाउ इन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी बोल्ड और नोबल इंटरप्राइज अभी भी अगर इसको कोई भी अच्छा काम दिया जाए तो वह समझदारी से करता है हाउ एवर ही पुट्स ऑन दिस स्टार्टी फॉर्म दिस रूडनेस इज ए सॉस्ट टू इज गुड विस्ट विच गिस्ट वर्ड विदिटाइट लेकिन अब नैसे उसके बारे में तारीफ में कहता है कि अभी भी अगर उसको कोई बोल्ड और काम दिया जाए तो वो समझ लेगा उसी तरह से करेगा जैसे समझदार आदमी को करना चाहिए लेकिन वो इस तरह से बिहेव करता है उसका एक रीजन है और रीजन ये है कि वो अपने आप को अनकल्चर्ड अनसिविलाइज दिखाना चाहता है वो ये कहना चाहता है कि ही इज नॉट वेल एजुकेटेड और लोग उसकी बातों को ऐसे पसंद करते हैं जैसे किसी चीज के साथ आप सॉस अगर खाते हैं तो वो खाना ज्यादा टेस्टी लगता है ऐसे ही वो जो भी कुछ कहता है और अपने तरीके से कहता है सो so वो लोगों को पसंद आता है एंड ही स्पीक्स इन सच अ वे देन ब्रूटस डिसाइड्स दिस टाइम टू गो एंड ही आस्क ही टेल्स कैशियस

एंड दिस इज कॉल्ड सोलिलिकी एस एल आई एल ओ क्यू यू वाई इट इज प्रोनाउंसिखी इज समिंग दैट पीपल यूज टू स्पीक ऑन स्टेज देपल और दे अपनी बात बोलता है जिससे सारी ऑडियंस सुनती है और उस सॉली से पता चलता है कि उस आदमी के दिल के अंदर क्या चल रहा है उसे पब्लिक वाकिफ हो जाती है पब्लिक कब्स टू नो वॉट इज गोइंग ऑफ टेलिंग व्हाट वॉज इन हिज हार्ट टू द पब्लिक जनरल पब्लिक टू विटनेस द प्ले तो अब यहां पर क्या कहता है आई विल डू सो टिल देन थिंक ऑफ दर्ल्ड तो कैसे मैं जा रहा हूं मैं भी चलता हूं लेकिन तब तक हम कल मिलेंगे तब तक तुम दुनिया के बारे में सोचना अब यहां पे दुनिया के बारे में क्या मतलब है प्रेजेंट स्टेट ऑफ रोम दुनिया यहां पे बिलीव वो करते हैं प्रेजेंट स्टेट ऑफ रोम के बारे में सोचना और ये भी कहता है वेल ब्रूटस नोबल येट आई सी दाई ऑनरेबल मेटल मे बी रॉट फ्रॉम वॉट इट इज डिस्पोज तो ब्रूटस मैं ये देख रहा हूं कि तुम नोबल हो शरीफ हो इज्जतदार हो रिस्पेक्टेबल हो फिर भी मैं तुम्हारी ऑनरेबल मेटल में तुम्हारी स्पिरिट में तुम्हारी आत्मा में यह बात देख रहा हूं कि उस स्पिरिट को मोड़ा जा सकता है उस तरफ से दूसरी ओर जो जिधर तुम जाना चाहते हो उस तुम्हारी आत्मा को दूसरी ओर चलने के लिए हम मोड़ सकते हैं देफो इट इज मीट दैट नोबल माइंड कीप एवर देयर लाइक्स तभी कहा जाता है कि जो नोबल आदमी हैं जो अच्छे लोग हैं उनको हमेशा अच्छे लोगों की कंपनी में ही रहना चाहिए क्योंकि जब वो बुरे लोगों की कंपनी में जाएंगे तो वो अपने आप ही बुरे हो जाएंगे वो उनका जितना भी अच्छापन है वो बुराई में बदल जाता है फॉर कैन नॉट बी सड्यूस्ड कि कौन इतना फॉर्म आदमी है इतना नोबल है जो जिसको अच्छाई से बुराई की तरफ ना मोड़ा जा सकता हो हार्ड बट ई लव ब्रूटस मेरे अगेंस्ट खिलाफ है मेरे खिलाफ है लेकिन ब्रूटस को वो बहुत प्यार करता है और रिस्पेक्ट करता है। यहां पे प्यार करने का मतलब यह नहीं है कि लव करता है बट ही रिस्पेक्ट्स हिम एंड डज व्हाट ब्रूटस वुड इफ आई वर ब्रूटस नाउ एंड वर कैशियस ही शुड नॉट ह्यूमर मी और कैशियस फर्दर कहता है कि अगर यहां पे ब्रूटस और कैसेस के हम दोनों आपस में जगह बदल लेते और मैं ब्रूटस होता और वो कैसेस होता तो मैं फिर भी उसकी इशारों पे ना मुड़ता ब्रूटस के कहने पे कैसेस कहता है ब्रूटस तो अब मेरे कहने में मुड़ गया लेकिन अगर ब्रूटस यही बातें मुझे समझाता होता तो मैं नहीं मुड़ता वॉट ही मीन्स टू से दैट ही इज ऑलरेडी इन एन ईवल फ्रॉम द इनसाइड Therefore, he would not have become good. I should not humor; he should not humor me. He would not make me do. He would not influence me into doing something that I do not want to do. I will this night, in several hands, in at his window, throw as if they came from several citizens, writings all tending to the general opinion that Rome holds of his name. So I a core plan. कि आज मैं कई अलग अलग लोगों के हाथ से लिखे हुए नोट्स ब्रूटस की खिड़की से उसके अंदर फेंकवाऊंगा अलग अलग लोगों ने अलग अलग हाथों से अलग अलग राइटिंग से लिखा होगा और उन सब बातों का हिंट यही होगा कि ब्रूटस अब देखे उस अपने आप को उस नजर से देखे जिस नजर से रोमन्स उसको देखते हैं और एक छुपे हुए ढंग से एक तरीके से जो ओपन भी ना हो खुला भी ना हो और बिल्कुल ही ऐसा ना हो कि वो समझ ना सके तो वो ये सब चीजें उसके पर पे ताकि उनको हिंट किया जा सके कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं और रोमन्स उससे क्या चाहते हैं और फिर कैसे कहता है देखते हैं जब ये पढ़ेगा ब्रूडस ये सारे नोट तब देखते हैं कि सीजर अपनी कुर्सी कैसे संभाल के रखता है या तो वो कुर्सी से छोड़ेगा हट जाएगा और अगर वो कुर्सी से नहीं हटा तो हमारे लिए और मुसीबत के दिन आएंगे जो हमें बर्दाश्त करने पड़ेंगे थैंक यू दिस इज़ द एंड ऑफ टुडे सेशन वी है Act one, scene two is finished now. Thank you, my friends. Thank you very much.